हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच के बारे में। और इंडिया का मैच और हम कवर ना करें ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये मैच खेला जाएगा इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना। मैं जानता हूँ आप इंडियन प्लेयर्स को सबको जानते हैं, लेकिन म्यांमार की तरफ से जो टॉप परफॉर्मेंस करते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो में जानकारी कंप्लीट दी जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं सीधे पहले दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, उसके बाद दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के बारे में, उसके बाद में दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डालेंगे। तो पहले फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर। तो गाइज, इंडिया फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 106 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें म्यांमार फिलहाल के टाइम पर 159 पोजीशन पर है। तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज, अब बात आती है कि दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चलें। तो मैं इस मैच में इंडियन टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि फीफा रैंक में पोजीशन सेफ है एज़ कम्पेयर टू म्यांमार। प्लस ये मैच इंडिया में ही खेला जाएगा और होम टीम का एडवांटेज रहता है फुटबॉल में। क्यों? अगर यह मैच इंडिया में खेले जाएगा, सीधी सी बात है, हम सपोर्ट करेंगे पूरी तरह। दूसरी बात, टीम मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। तीसरी बात, फैंस का जो सपोर्ट रहता है ना, वो प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह आप मान लो कि आप मैसी और छेत्री का मैच हो रहा है, ओके, अब आप मैसी मैसी चिल्लाओगे तो सीधी सी बात है मैसी की सपोर्ट करोगे। अगर हम इंडिया का मैच हो रहा है तो जब छेत्री बोलेंगे, छेत्री छेत्री बार बार बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उस प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो एडवांटेज रहता है, होम टीम का सपोर्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको आज के मैच में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं इंडिया टीम को एक बैक करने वाला हूँ। लेकिन हम बात करेंगे जब दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो दोनों तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट स्ट्रॉन्ग टीम है। तो दोस्त, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 4 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं। 4 में से 2 मैच इंडिया विन कर चुकी है और इस टीम के सामने एक मैच ड्रॉ भी खेले और एक मैच लॉस भी किए। अटैक से 1 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, इंडिया टीम का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने अटैकिंग पॉजिटिव है और डिफेंस देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है, और उससे भी मतलब जल्दी से गोल कंसीड नहीं करते। लेकिन अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में AFC एशियन कप में खेला गया था, और वो मैच दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। दोनों टीम ने 2-2 गोल स्कोर किए, डिफेंस से 2-2 गोल कंसीड किए। लेकिन आज से काफ़ी समय के पहले की बात है, उस टाइम पर इंडियन प्लेयर्स इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर इंडियन सुपर लीग में खेलते खेलते काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। और उस मुकाबला फिर इंडिया इसी टीम के सामने 1-0 से विन की थी, और एक मैच म्यांमार के सामने 2013 में हारी थी, और उस मुकाबला फिर इंडिया 1-0 से म्यांमार के सामने विन कर गई। तो इंडियन टीम्स ने इस टीम के सामने 2 मैच खेले और दोनों मैच 1-0 से विन किए। मतलब अटैक से गोल स्कोर भी किया लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। तो अटैक और डिफेंस इंडिया का म्यांमार के सामने काफ़ी अच्छा करता है। तो इसीलिए मैं इंडिया टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार का है, तो एक बार हम इस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, इंडियन टीम ने रिसेंटली 6 मैच खेले, 6 में से 3 मैच विन करे हैं, एक मैच ड्रॉ भी खेला, 2 मैच लॉस भी किए। अटैक 1.5 है, डिफेंस 1.2 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है, हर मैच में ये टीम गोल निकाल लेती है, और डिफेंस देखा जाए तो फिर भी बेहतर है, मतलब जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी गोल कंसीड करती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच इंडिया वियतनाम के सामने 3-0 से हार गई। भाई, वियतनाम भी एक बेहतर टीम है, उसके सामने उसी के होम में खेली थी, तो लॉस तो बन हो गया, कोई नहीं। लेकिन सिंगापुर के सामने 1-1 से ड्रॉ खेली, एक गोल किया, एक गोल डिफेंस कंसीड किया। हांगकांग के सामने एशियन कप में खेली, 4-0 से विन की, और अफगानिस्तान के सामने 2-1 से विन की। फिर कैम्बोडिया के सामने ये टीम 2-0 से विन की। एक मैच जॉर्डन के सामने हारी थी 2-0 से, 2022 में 5 महीना में। तो ये रीसेंट फॉर्म आपको इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा। आप 2 मैच हटा दो, बल्कि ये 2 मैच जो हारे हैं, बाकी इंडिया टीम्स ने डिफेंस से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है और अटैक से भी हर मैच में गोल निकाला है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं म्यांमार का करंट फॉर्म किस प्रकार का है, तो एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, म्यांमार करंटली
छः मैच खेल चुके हैं, छः मैच अभी तक एक भी नहीं जीती, बल्कि दो मैच ड्रॉ खेले और चार मैच हारे हैं। अटैक 0.07 है, डिफेंस 2.5 है। अब आप अटैक से क्या भरोसा कर सकते हो कि ये इंडिया के सामने एक गोल कर पाएगी, जो कि इंडियन टीम डिफेंस को लेकर काफ़ी मजबूत है और इस टीम का डिफेंस 2.5 मतलब हर मैच में गोल कंसीड करने का एवरेज रखता है। मतलब डिफेंस से भी गंदी है, अटैक से भी गंदी है। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि गंदी टीम है, बल्कि रीसेंट फॉर्म गंदा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच वियतनाम म्यांमार के सामने हार गई, मतलब म्यांमार वियतनाम के सामने हार गई, और एक मैच लाओस के सामने टीम अटैकिंग ड्रॉ की, दो गोल कंसीड किए। सिंगापुर के सामने ये टीम 3-2 से मैच को लॉस कर गई, लेकिन दो गोल उसमें भी किया, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पिछले दो मैच में इस टीम का गोल में आया है। और उससे भी मुकाबले मलेशिया के सामने 1-0 से हार गई, और एक मैच थाईलैंड के सामने 6-0 से हारी, और हांगकॉन्ग के सामने ये टीम डिफेंसिव ड्रॉ खेली, और वहीं पर इंडिया टीम हांगकॉन्ग के सामने मैच को विन की थी। तो इसमें और इंडियन टीम में इतना डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको एक कमज़ोर, एक हल्की, एक वीक टीम म्यांमार देखने को मिलेगी आज के मैच में। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का इन तीनों फॉर्मेट में मजबूत परफॉर्मेंस रहा है, तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार ऑब्वियसली इंडिया एक बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू म्यांमार। ओके, और हेड टू हेड में देखा गया कि जब भी इंडिया टीम इस टीम के सामने मैच खेली है, मैच को अधिकतर इंडिया ही विन की है, और म्यांमार ने इस टीम के सामने या तो लॉस किया है मैच को या ड्रॉ खेला, लेकिन विन नहीं किया, विन सिर्फ एक ही किया है। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी बेहतर है अटैक से भी और डिफेंस से भी, और अधिकतर मैच विन भी करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन लॉस जल्दी से नहीं करती। और म्यांमार का जो परफॉर्मेंस है, अटैक भी काफ़ी गंदा है, डिफेंस भी काफ़ी गंदा है, और अधिकतर मैच हार जाती है। तो आपको क्लियरली इस मैच में इंडिया टीम एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इस टीम में, मतलब इस मैच में इंडिया को एक बैक करने वाला हूँ। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल हो जाने चाहिए। मेरा मानना यह है दोस्त कि इंडिया की तरफ से इस मैच में दो गोल आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, और म्यांमार की तरफ से आज गोल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया की टीम में डिफेंस काफ़ी बेहतर से खेला जाता है और अटैक से कहीं ना कहीं गोल निकाल लेती को जैसे चेल्सी जैसी टीम अपनी इंडिया, कहना मतलब जैसे चेल्सी खेलती थी पहले कॉर्नर से, मतलब काउंटर अटैक से गोल करने की कोशिश, सेम लाइक इंडिया का भी यही स्ट्रेटजी रहती है। तो मैं इंडिया को 2-0 को बैक कर रहा हूँ। तो इस प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच में हमारी टीम, और कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है वीडियो में वो टीम्स को लेकर बात की, कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल स्कोर कर सकती है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्लेयर्स को लेकर, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में, और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको आगे चलकर कंप्लीट दी जाएंगी। और हाँ दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फुटबॉल के प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फैंटेसी फुटबॉल में ना आपके लिए ये सेकंड बेस्ट यूट्यूब चैनल है, बड़ा चैनल एक और है, लेकिन वो कभी कभी वीडियो बनाता, कभी कभी नहीं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कंफर्म हर मैच की हर रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपके पास हर रोज़ हमारे बेल आइकन के जरिए नोटिफिकेशन मिलती रहे जिस मैच में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ। ओके, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना। और हाँ दोस्त, ये तीन देश के बीच में एक सीरीज़ खेली जा रही है, मैं आपके लिए बता दूँ, एक इंडिया है और एक म्यांमार है, तीसरी टीम यहाँ पर किर्गिस है, तो उन तीन के बीच में ये सीरीज़ खेली जाएगी, टूर्नामेंट आपको बोल सकते हो, जैसे वनडे सीरीज होती है ना, सेम लाइक त्रिकोणीय सीरीज़ है। ओके, तो आपको कई मैच देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के भी। तो पहला मैच किस तरह हमारा जाता है वो मैं आपको आज शाम को विन करके बता दूंगा। तो फाइनली गाइज, अब बात आती है कि इन दोनों टीम प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं इंडियन टीम के प्लेयर्स पर, फिर हम नज़र डालेंगे म्यांमार के टीम के प्लेयर्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो चलिए नज़र डालते हैं इंडिया की तरफ से। तो दोस्त, इंडियन टीम की तरफ से AFC एशिया कप में टॉप हाइस्ट गोल्डर सुनील छेत्री है, जिसने इस टीम के लिए 3 गोल और 1 पेनल्टी में गोल किया। तो यहाँ से पता चलता है कि सुनील छेत्री इस टीम की तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है, पेनल्टी में गोल करेगा, ओपन सेव करेगा। मनवीर सिंह है, इस टीम के लिए सिर्फ 1 गोल किया है।
अनवर अली ने भी इस टीम के लिए एक गोल किया, यहाँ तक ईशान पंडिता का भी इस टीम के लिए एक गोल आया है। लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट प्लेयर सुनील छेत्री और मनवीर सिंह है। लेकिन सुनील छेत्री का इस सीज़न बेंगलुरु एफसी के लिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया था, लेकिन जैसे सीज़न ख़त्म हुआ तो लास्ट में इसका इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ा सा गोल में इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था, तो ये पॉजिटिव बातें हैं। अगर सुनील छेत्री खेलेगा तो हमारी टीम में रहेगा। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड टीम है, क्योंकि असिस्ट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि असिस्ट का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब हम सीधी बात करते हैं म्यांमार की तरफ से, वो कौन से प्लेयर हैं जो इस टीम के लिए कंटिन्यू गोल और असिस्ट में मतलब गोल में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं। एएफसी एशियन कप में म्यांमार की तरफ से सिर्फ दो ही गोल आए थे। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टीम का अटैक कितना डाउन था। एक गोल आया था कोंग मान का, फिर एक गोल आया था नेंग विन तन का, एक एक गोल दोनों ने किया है। लेकिन इस टीम की तरफ से तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कंटिन्यू गोल कर सकते हैं, वो जब मैं आपको टीम बताऊंगा मतलब इस टीम की इस मैच की टीम बनाऊंगा तब आपके लिए क्लियर बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर और हैं। ओके, अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने तो रखा 2-0। अब 2-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन टीम और कौन कौन से बेस्ट प्लेयर हमारी टीम में रहना चाहिए। तो चलिए नज़र डालते हैं टीम पर और इस वीडियो के सेकंड बेस्ट पार्ट पर, जहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लेयर के बारे में कंप्लीट और जानकारी दूंगा किस प्लेयर को किस कॉम्बिनेशन से लेकर चलना। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी टॉप के कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नज़र डालते हैं टीम पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गोल कीपरिंग सेक्शन में। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि इस मैच में इंडिया एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो 7 प्लेयर मैक्सिमम लेकर चलेंगे और म्यांमार की तरफ से सिर्फ 4 ही प्लेयर को लेकर चलेंगे। हमें अपनी टीम में 11 प्लेयर चाहिए। अब वो कौन कौन से 11 बेस्ट है उनके बारे में आपको कंप्लीट जान कर दूंगा। गुरप्रीत सिंह संधू इस इंडियन टीम की तरफ से एज ए गोल कीपर खेलेगा और यहाँ से मतलब एसिंग का चांस कम है, विशाल कैथ का भी कम चांस है इस मैच में खेलने का, लेकिन अगर खेले तो भी नहीं लेना क्योंकि हमें अपनी टीम में जो पिक करके चलना है वो यहाँ से नंदा ओ है, जो म्यांमार की तरफ से गोलकीपर पिक करना, क्योंकि हम मुझे लगता है कि जो म्यांमार के गोलकीपर है इंडियन टीम आराम से टेस्ट कर लेगी इसको। नंदा को इसलिए पिक करेंगे क्योंकि गोल का चांसेस ज़्यादा सेव रखेगा। अब हम बात करें डिफेंडिंग में, देखो यहाँ पर झिंगन को पिक करना, प्रीतम कोटाल को पिक कर चलना है और यहाँ से हम अपनी टीम राहुल बहक को पिक करेंगे जो कि डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता है, इंटरसेप्शन टैकल, और यहाँ पर सुभाषिस बोस भी एक बेहतर प्लेयर है, अगर खेलता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप हल्के मतलब ना, ये दो प्लेयर्स तो क्लियर हैं। अब हमारी टीम में आकाश मिश्रा भी, आपने देखा होगा कि इस सीज़न में इसका इंटरसेप्शन टैकल कितना बेहतर आया था, तो मैं अपनी टीम में इनको भी लेकर चलता हूँ, राहुल बहक को भी लेकर चलता हूँ। और अगर हमें म्यांमार की तरफ से किसी एक डिफेंडर को लेना तो उस कंडीशन में कौन सा प्लेयर बेहतर रहेगा, वाई मिन थो जो कि एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा इंटरसेप्शन टैकल के, वरना और कोई खास मुझे म्यांमार की तरफ से इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं लगा। हाँ, एक प्लेयर और है टेट ओंग, आप इन्हें रख सकते हो एक दो टीम में, क्योंकि आपके लिए ना इन टीम की इस टीम की तरफ से प्लेयर का इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि इंडिया टीम की तरफ से प्लेयर की इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम हर रोज़ ISL देखते थे उनके बारे में जानकारी। लेकिन इनमें से जो आपके लिए मैंने बताया है कि यहाँ से एच टेट है और शोई और एक दूसरा प्लेयर जिसका नाम मैंने आपके लिए बताया यहाँ से कहाँ गया, हाँ वाई मिन थो, आप इन्हें चाहे तो रख सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए दोनों में से किसी को नहीं पिक कर रहा हूँ। बात करें मिड में, तो हमारे पहली चॉइस जो मिड में यहाँ पर आपको देखो विपिन सिंह भी है, छेंग छांगटे भी है और न्यांग विन है, आप ट्राई कर सकते हो। न्यांग विन को मैं नहीं लूँगा, लेकिन म्यांमार की तरफ से जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है उनका जो सलेक्शन है वो काफ़ी लेस है। मैं आपके लिए बता दूँ कौन कौन से हैं वो, हाँ एच बोबो और दूसरा नाम है इस टीम के लिए, एक मिनट गाइस, दूसरा नाम यहाँ पर हाँ एम मोंग लेविन, जो कि इस टीम के लिए सेफ कप में 2 गोल किए थे, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट है। मैं इन्हीं दोनों को भी के लिए लेकर चलता हूँ। ओके, चाहे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इनमें से पिक कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ऋत्विक कुमार है और यहाँ पर मोहम्मद यासिर है, इनमें सभी के लिए मैं किसी को नहीं, पुजारी भी है, गैलेन मार्टिनेस है जो डिफेंस वर्क रहेगा मतलब बिना गोल का 20-25 पॉइंट दे जाएगा, अनुराग थाफा है, सलाह अब्दुल सलम है, ब्रनो फर्नांडीज है, लेकिन हम टीम में छांगटे और विपिन सिंह दोनों ने इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इन्हीं को पिक कर चलते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड सेक्शन में, देखो हम कोंग मान को इसलिए पिक करें क्योंकि कोंग मान ने इस टीम के लिए 2 गोल कर चुका है, ये चीज़ हमने देखी है। आप चाहे तो
ड्रॉप भी कर सकते, लेकिन मैं पिक कर चलाऊँ सुनील छेत्री से, क्योंकि पेनल्टी मिलेगा और इंडियन टीम की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर है, इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर यहाँ से नारायण या मेरे हिसाब से जो खेलेगा यहाँ पर लिस्टन कोला को या मनवीर सिंह, इन दो में से कोई एक खेलेगा, लेकिन जो भी खेलेगा वो हमारी टीम रहेगा। मुझे लग रहा है कि लिस्टन कोला को स्टार्ट करेगा, तो मैं इसलिए सुनील छेत्री और लिस्टन कोला को लूँगा। अब किसको ड्रॉप करना होगा, आई थिंक एक डिफेंडर को ड्रॉप करें, राहुल बहके, चलिए भाई आपको ड्रॉप किया जाएगा और हम टीम में पिक कर चलते हैं उस कंडीशन में लिस्टन कोला को। ओके, अब मनवीर सिंह खेलेगा लेकिन मुझे लग रहा है सब्स्टिट्यूट से आएगा, तो उस कंडीशन में नहीं पिक करेंगे। ईशान पंडिता खेलेगा भी तो भी नहीं लेंगे। अभी का लिए टीम का प्रीव्यू है, लेकिन याद रहे ये एक डेमो टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप आने के बाद कि कौन सा प्लेयर 90 मिनट कंप्लीट खेलेगा और कौन सा ऐसा प्लेयर है अगर गोल नहीं भी करेगा तो कम से कम डिफेंस से पॉइंट दे जाए, और अधिकतर म्यांमार की तरफ से ऐसे प्लेयर को लेने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि म्यांमार ही एक हल्की टीम दिख रही है और बाकी प्लेयर्स का तो मुझे लगे इंडिया की तरफ से आपको परफॉर्मेंस आई आएगा। अभी के लिए कैप्टनसी सुनील छेत्री के लिए, क्योंकि पेनल्टी टेकर है इसलिए इनको कैप्टन दिया है, और मैं वाइस कैप्टन लिस्टन कोला को और छांगटे में सोच रहा हूँ किसको दूँ। आई थिंक मैम टीम अभी के लिए छांगटे को वाइस कैप्टन देकर चला हूँ। आप चाहे तो बिपिन सिंह को मिनी ग्रांड लीग, ग्रांड लीग लिस्टन कोला को रख सकते हो। ये मेरी अभी के लिए प्रेडिक्शन है, हर एक प्लेयर्स के बारे में जो जानकारी दी वो आपको, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और हर एक चीज़ समझ में आई है। आकाश मिश्रा को क्लोज सकोरिंग मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। प्रीतम कोटाल का हेडरम गोल आ सकता है, चांस मुझे कम लग रहे हैं। झिंगन भी हेडरम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा भूमिका मुझे लग रहा है सेंटर बैक खेलेगा तो कहीं ना कहीं पासेस अच्छा पॉइंट दे सकता है। ओके, तो इस मैच की लाइनअप आने के बाद तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ पोजीशन है और क्या कुछ गोल, कितने गोल हो सकते हैं, कौन सी टीम विन करेगी। लेकिन अभी के लिए ये प्रेडिक्शन किया है मैंने फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक है टॉप के कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों में से कहीं से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ना भाई। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई है तो इतना तो आपका फ़र्ज है। थैंक यू।